नमस्कार, वेलकम टू गौरी किचन। आज मैं कटहल का सब्जी बनाने जा रही हूँ। एक कटहल मैं पहले कुकर में 2 सीटी दिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है करा के, इसलिए मैं इसको बॉईल करके थोड़ा से नमक और हल्दी दे के बॉयल करके रख दिए। अभी मैं इसका सब्जी बना रहा हूँ। अभी मैं कढ़ाई बैठा दिए, अभी कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ। तेल मेरा गर्म हो गया, अभी थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ, गैस थोड़ा कम कर देती हूँ। दो तेज पत्ता डाल रही हूँ। अभी थोड़ा मैं गरम मसाला दे रही हूँ। मेरा कांदा हो गया, अब इसके अंदर मैं टमाटर डालती हूँ। मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए। थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दो, जो कि पक जाएंगे टमाटर। मेरा टमाटर पक गया, अभी मैं अदरक का टेस्ट दे रहा हूँ। छोटा चम्मच से एक चम्मच लहसुन का टेस्ट, आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, मिर्ची पाउडर जितना आपको तीखा चाहिए, धनिया का पाउडर। मैं थोड़ा से चिकन मसाला डाल रही हूँ। मैं अभी थोड़ा से जीरा का पाउडर डाल दूँ, क्योंकि मैं लास्ट में दे रहा हूँ, भुना हुआ है घर का, इसलिए मैं लास्ट में दे रहा हूँ। अब 2 मिनट पकने दीजिए। मेरा मसाला भून के हो गया, देखिए कितना मस्त हो गया, और तेल भी छोड़ रहे, मतलब देखा ही दे रहे, हो गया भून के। अभी मैं कटहल और आलू को डाल दूँ। जल्दी पक जाएंगे, क्योंकि मैं पहले बॉइल करके रख दिया, कुकर में सीटी दिए थे 2 सीटी।
हो गया अभी, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ। मैं गैस फास्ट करती हूँ। अभी मैं जब बॉयल किए थे तभी नमक दिए थे, अभी थोड़ा सा मैं नमक दे रही हूँ उसमें। पहले भी टमाटर मैं दे दिए थे इसलिए थोड़ा सा ही दिया मैंने। मेरा हो गया अभी मस्त, कलर भी आया, देखने में भी अच्छे लग रहे। और मैं थोड़ा घर का गर्म मसाला पिसा हुआ, एक मसाला कैसे पीसने का वो भी आप लोग को बता दूँगा, गर्मी में बनाती हूँ। मैं अभी थोड़ा सा इसमें चीनी डाल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट अलग आ जाता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको जितना ग्रेवी चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उतना रख सकते हैं। मेरा अभी हो गया, मैं अभी गैस बंद कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा बनिया डाल रही हूँ। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मेरा कटहल का सब्जी बन के रेडी है, ज़रूर आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।